हेलो फ्रेंड्स, बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बताएंगे सिंपल ब्लाउज की कटिंग। तो देखिए, सबसे पहले चेस्ट का मेजरमेंट लेंगे, आपका जितना भी आता है उससे हाफ करना है। उसके बाद पीछे साइड से लंबाई लेना है। तो देखिए, यहाँ पर मेरा 13 इंचेस आ रहा है और बैक पार्ट में इसका जितना भी है उतना में हाफ इंच प्लस करके रखेंगे। अब देखिए, कपड़ा फोल्ड करेंगे हम चेस्ट का 1/4। फोल्ड करने के बाद उसमें 2 इंच या फिर 1.5 इंच आप मार्जिन ले लेंगे, जैसे कपड़ा रहता है उस तरह हम यहाँ पे 1.5 इंच मार्जिन लेंगे। लेकिन सिंपल ब्लाउज है, सिंपल ब्लाउज में टक्स जाता है तो आगे के साइड में हम 2 इंच मार्जिन लेंगे। तो यहाँ पर बैक और फ्रंट पार्ट दोनों साथ में कट करेंगे। और देखिए, लंबाई का हमको सिर्फ निशान लगा लेना है 1 इंच प्लस करके, और ज़्यादा फैब्रिक रहने पर तुरपाई करने के लिए 1.5 इंच देखिए नीचे के साइड से लाइन ड्रॉ कर लेंगे। और यहाँ से हम बीच में कपड़ा को फोल्ड कर देंगे। फोल्ड करने के बाद ये कपड़ा मेरा 4 लेयर में हो गया और इसको अच्छे से हम सेट कर लेंगे। और सबसे पहले हम लेंगे बैक पार्ट से 1 इंच बढ़ा लेंगे फ्रंट पार्ट नीचे के साइड लंबाई में, और इस निशान को भी हम लाइन लगा के सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद हम सबसे पहले शोल्डर लेंगे, तो शोल्डर हम यहाँ पे लेंगे 6 इंच, और उसके बाद आर्म होल लेंगे हम 6 इंच, दोनों बराबर लेंगे। और दोनों लाइन को हम देखिए सीधा कर दिए हैं। और उसके बाद इसमें हम गोलाई देंगे अभी इसमें 1.5 इंच का, क्योंकि बैक और फ्रंट दोनों मेरा साथ में ही कट हो रहा है, इसके लिए 1.5 इंच का इसमें गोलाई देंगे। और पीछे से हम फ्रंट पार्ट में 1/2 इंच गहराई दे देंगे। और इस लाइन को देखिए हम सीधा कर दिए सिलाई मार्जिन का। अब गला का मार्किंग करेंगे, गला हम ले रहे हैं 2.5 इंच और नीचे से ले रहे हैं 7 इंचेस, और इसको बॉक्स बना लेंगे। इसमें 1/2 इंच का गोलाई होता है तो 1/2 इंच का गोलाई कर देंगे। और उसके बाद टक्स पॉइंट हम डालेंगे। तो ये देखिए, मेरा बीच का सेंटर होता है ये 10 इंच में, क्योंकि ये लंबाई है मुझे 13 इंच का ब्लाउज। और एक टक्स आगे से डालेंगे, दूसरी टक्स नीचे से डालेंगे, और तीसरा टक्स इधर साइड से डालेंगे, और चौथा टक्स होगा वो मेरा आर्म होल से जाएगा। तो चौथा टक्स आर्म होल से लगाएंगे। और ये सिंपल ब्लाउज है, बहुत ही आसानी से बन जाता है बहुत कम टाइम में। तो घर पे बनाइए और ट्राई कीजिए एक बार कटिंग और स्टिचिंग का भी। जहाँ पे समझ में नहीं आएगा तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं फिर से अगली वीडियो में डिटेल्स इसको बताऊंगी। और इसी के ऊपर देखिए कटिंग कर लिए हैं। तो सबसे पहले, चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना है। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर अपने दोस्तों के साथ करते रहिए, क्योंकि वीडियो कटिंग से स्टिचिंग का सारा पार्ट हम इस वीडियो में बताएंगे। वीडियो लंबा हो जाता है इसके लिए हम अलग अलग वीडियो अपलोड करूंगी, लेकिन सारा सब बताएंगे। तो देखिए, हाँ, बैक पार्ट हम अलग कर दिए हैं। उसके बाद इसको भी हम मार्किंग कर लिए और यहाँ पे नोचेस लगा लेंगे आर्मोल साइड में। स्टिच करने में हमको प्रॉब्लम नहीं होगा। और देखिए, 1/2 इंच हम इसको कट कर दिए हैं बैक पार्ट से, फ्रंट पार्ट ज़्यादा रखेंगे 1/2 इंच। और देखिए, बैक पार्ट में हम टक्स जो डालेंगे वो भी मार्किंग कर लिए हैं। तो यहाँ पे मेरा टक्स भी कंप्लीट हो गया है, बैक पार्ट फ्रंट पार्ट। और इसको बीच से हम जॉइंट को खोल देंगे। अब मेरा ये बचा हुआ जो कपड़ा है इसमें हम स्लीव्स कट करेंगे, बाजू कटिंग। तो देखिए, सबसे पहले डबल फोल्ड किया मैंने, उसके बाद फिर इसको हम 4 फोल्ड करेंगे।
कटिंग तो उसी तरह होता है, बस आइडिया सबके पास अलग अलग होता है। तो मैं ज़्यादा घुमा फिरा के यहाँ पे नहीं बताऊँगी, एकदम शॉर्टकट में। देखिए, हम पहले चौकोर लाइन लगा लेंगे और उसके बाद इसमें हम शेप लगाएंगे कैसे। तो देखिए, 2.5 इंच मैंने डाउन किया यहाँ पे, उसके बाद आर्म होल मेरा जितना है फिक्स वहाँ पे उतना ही फिक्स रखे हैं। उसके बाद बॉटम का मेजरमेंट लेंगे, तो बॉटम का मेजरमेंट लेके फिर यहाँ पे मार्किंग करेंगे और 1.5 इंच यहाँ पे मार्किंग कर देंगे हम, क्योंकि ये हेम में मेरा कपड़ा जाने वाला है। उसके बाद इसको हम मिला देंगे, मिलाने के बाद हम बाजू का शेप हल्के हाथों से लगा देंगे। उसके बाद इसको कटिंग कर देना है। कटिंग करने के बाद हम यहाँ पे नॉचिस लगा लेंगे आर्म होल में और फिर इधर, क्योंकि मुझे याद रहेगा कि यहाँ पे मेरा सिलाई पड़ेगा, उस टाइम मुझे नहीं मार्किंग लगाना होगा। तो देखिए, यहाँ पे कटिंग का वीडियो पूरा हो गया है। तो थैंक यू वाचिंग फॉर वीडियो। आप सबको मेरा ये वीडियो का कैसी लगा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी तरह हर वीडियो में आप